मिट्टी से भरे डंपर के नीचे आने से एक 3 वर्षीय बच्चे की मौत हो गई। घटना उपमंडल के गांव कन्हड़ी की है, जहां ईंट के भट्टे के बाहर बनी झुग्गी के समीप खेल रहे मजदूर के बच्चे को मिट्टी से भरे डंपर चालक ने कुचल दिया और चालक मौके से फरार हो गया। बच्चे के सिर पर चोट आने से उसकी मौत हो गई। पुलिस ने मृतक के पिता के बयान के आधार पर मुकदमा दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है और शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया गया। ये कल शाम को सूचना मिली थी कन्हड़ी गांव से, कोई रोड साइड एक्सीडेंट में एक 3 साल के बच्चे की मौत हो गई। कल शाम को तो समय गए थे, इनके परिवार वाले भी उस आवास में। आज सुबह आके 2.5 साल का बच्चा है असलम, इसका बाप के बयान पे एक ट्रक है डंपर चालक जो वहाँ मिट्टी वगैरह डालने का काम कर रहा है भट्टा के पास, उसके खिलाफ कार्रवाई की है। बच्चा कल शाम को वहाँ चल रहा था, ट्रक वाले ने ध्यान नहीं दिया, लापरवाही से ट्रक को बच्चे ने ऊपर चढ़ा दिया, जिससे बच्चे की आज सही अस्पताल से बच्चे की डेथ कर दी। इंडिया न्यूज़ के लिए टोहाना से नवल सिंह की रिपोर्ट।